नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। मैं पूनम स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। मैं आज बनाने वाली हूँ नूडल यानी कि चाउमीन। तो मैं कैसे बनाती हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि मैंने बताया आज बन रहा है नूडल, तो नूडल्स के लिए मैंने क्या वेजिटेबल्स लिए तो चलो देख लेते हैं। ये मैंने वेजिटेबल्स को फाइनली चॉप कर लिया है। तो कैप्सिकम मैंने लिया, इसे लंबा लंबा ऐसे पतला काट लिया है। और यहाँ पे कैबेज यानी कि पत्ता गोभी लिए, स्प्रिंग अनियन लिए हैं, और यहाँ पे पके हुए अनियन लिए हैं, यानी कोरिएंडर लीफ लिया है, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, और ये प्याज, और यहाँ पे हरे प्याज है। तो मैंने यहाँ पे सॉस पैन में पानी लिया है जो कि उबलने लगा है पानी। तो अब मैं इसमें ये नूडल्स इसमें डाल दूंगी, कुछ इस तरह से डाल दूंगी। तो इसे 5 मिनट के लिए पकाना है, और साथ ही साथ मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल दूंगी, और इसे पकने देते हैं, उबालते हैं इसे। दोस्तों ये पक चुका है, तो इसे हम कैसे जानेंगे कि ये पक चुका है, तो अपनी उंगली पे ऐसा रोल करेंगे, जल रहा है तो ये कुछ इस तरह से टूट जाएगा, तो इसका मतलब ही पक चुका है। तब मैं इसे छान लेती हूँ, इसमें मैं छान लेती हूँ। अब मैं इसे वॉश करूंगी 2-3 पानी से ताकि इसका सब स्टार्च निकल जाए। ऐसे करके इसे धोना रहता है ताकि इसका स्टार्च एकदम परफेक्टली साफ हो जाए। तो ये मैं दूसरे पानी से धो रही हूँ, अभी एक और पानी से धोऊंगी। मैं ऐसे फैला बर्तन में लेना है इसे ताकि ये फैला रहे। कैसे मस्त हुआ है। तो जो रेस्टोरेंट में या स्ट्रीट फूड हमें मिलता है ना, कुछ इस तरह से ही रहते हैं उन सब के। इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाली हूँ, तो इसे रिफाइंड ऑयल से ऐसे ऐसे कर लेना है, मिक्स कर लेना है, ये एकदम खिले खिले अलग हो जाए। ये ऑयल से ये सॉफ्ट हो जाएगा, चिपकेगा नहीं। तो अब चलिए मसाले की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, आप लोहे की भी कढ़ाई ले सकते हैं, मेरे पास तो छोटी सी लोहे की, इसलिए मैंने ये ले लिया है। तो वेल दोस्तों, सबसे पहले मैं इसमें डाल दे रही हूँ लहसुन यानी कि गार्लिक, और साथ ही साथ मैं डाल रही हूँ अदरक, मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली, मैं इसमें डाल रही हूँ अनियन, हल्का सा भूनना है हमें, सॉटे करना है हल्का सा। मैं डाल रही हूँ छोटी वाली सोया बड़ी, ये मेरे घर में सबको पसंद है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं या तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पत्ता गोभी, और साथ ही साथ डाल रही है कैप्सिकम, और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हरी वाली प्याज। तो हल्का सा इन्हें भी भून लेती हूँ। तो मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस तकरीबन 2 चम्मच, और इसी में मैं डाल रही हूँ टमाटो सॉस 3 चम्मच के तकरीबन, और ग्रीन चिली सॉस 1 चम्मच डालूँगी मैं, और मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी। इसे डालने के बाद मैं डालूंगी इसमें से काली मिर्च थोड़ी सी, और अजीनोमोटो में थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि हमें स्ट्रीट फूड बनाना है तो स्टाइल से रहता है, लेकिन बहुत हार्मफुल भी रहता है, तो आप वीकली या मंथली यूज कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ नूडल्स, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ता, और ये हरी प्याज के पत्ते यानी कि स्प्रिंग अनियन,
और मैं यहाँ पे डाल दूंगी थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा चाउमीन हो जाएगा तैयार। तो इस तरह से मैंने ये नूडल्स बना लिए हैं। तो ये रेडी हो चुका है। सब फूड कलर ऐड कर रही हूँ कलर आने के लिए। तो इसे अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।